अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जैसा कि आपको बताओ क्लास 11th में एएमयू ने डिप्लोमा इंजीनियरिंग के फर्स्ट फॉर्मलीज को डिक्लेयर कर दिया है। ये अगर आपको फर्स्ट फॉर्मलीज देखना है तो एएमयू कंट्रोलर की वेबसाइट पर आना होगा। जब इस वेबसाइट पर आ जाएंगे तो यहाँ पे लिखा होगा डिस्प्ले ऑफ फॉर्मलीज, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे जाना है और यहाँ पे सीनियर सेकेंड ईयर डिप्लोमा इंजीनियरिंग, इस पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट फॉर्मलीज यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके नीचे आपको बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों की देखने को मिल जाएगी। तो अगर बॉयज़ की आपको देखना है तो इस पर क्लिक करके यहाँ पे सबसे पहले आपका रोल नंबर है, रोल नंबर के बाद आपकी ब्रांच लिखी हुई है, कौन सी ब्रांच आपको दी गई है। अगर आपको ब्रांच समझ नहीं आई ब्रांच कोड तो आपको सिंपली नीचे जाना है, लास्ट रेस पे जब आप आएंगे तो इसके नीचे आपको यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, जैसे कि CEDA मतलब सिविल इंजीनियरिंग, CSDE मतलब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग EEDA, इसी तरीके से सारी ब्रांचेस के कोड यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप इसे देख सकते हैं। अब इसमें बात करते हैं कितनी वेटिंग जो है वो फर्स्ट फॉर्मलिस्ट में कितनी क्लियर हो गई है बॉयज़ में और सेकंड फॉर्मलिस्ट में कितने चांसेस हैं। अगर बात करते हैं जनरल की तो जनरल की 159 तक वेटिंग क्लियर हो चुकी है। जनरल में सीट्स जो है अराउंड 300 के आसपास है और आपकी इसमें वेटिंग जो है वो 159 क्लियर हो गई है। उसके बाद है आपकी बीसी कैटेगरी, बीसी कैटेगरी में आपकी 22 सीट्स हैं, इसमें कुछ आइडिया नहीं लग पाया कितनी वेटिंग क्लियर हुई है, एक्सपेक्टेड जो है इसमें 50-55 के आसपास वेटिंग क्लियर हो चुकी है। उसके बाद है सीई कैटेगरी, सीई कैटेगरी में आपकी 24 सीट्स हैं और 48 वेटिंग तक क्लियर हो गई है। उसके बाद है सीए कैटेगरी, सीए कैटेगरी में आपकी 21 सीट्स हैं और 60 वेटिंग इसमें क्लियर हो गई है। उसके बाद है डीएस कैटेगरी, डीएस कैटेगरी में 5 सीट्स हैं और 13 वेटिंग आपकी क्लियर हो गई है। उसके बाद है आपकी पीएच कैटेगरी, तो इसमें 7 सीट थी और कोई भी वेटिंग इसमें दी नहीं गई थी, तो सभी वेटिंग इसमें क्लियर हो गई है, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को यहाँ पे लिया गया था। उसके बाद है एससी कैटेगरी, 1 सीट है और 3 वेटिंग यहाँ पे क्लियर हो गई है। उसके बाद है सीजी कैटेगरी, सीजी कैटेगरी में किसी ने भी काउंसलिंग नहीं की है फर्स्ट राउंड में, तो इस वजह से इसकी कोई भी वेटिंग अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। सेकेंड राउंड में देखा जाएगा, अगर कोई रोल नंबर इसमें काउंसलिंग करता है तो उस हिसाब से वेटिंग क्लियर हो जाएगी, लेकिन इसमें 2 सीट्स हैं और किसी ने भी अभी तक काउंसलिंग नहीं की है। एनसी कैटेगरी में आपकी 1 सीट है और 4 वेटिंग इसमें क्लियर हो गई है। अगर बात करें कि सेकंड फॉर्मलिस्ट में कितनी क्लियर हो जाएगी डिप्लोमा में, तो ये आपके 300 तक पहुँच सकती है, 300 वेटिंग क्लियर हो सकती है। और सीई कैटेगरी में आपकी ये 60 के आसपास, 60-65 ऐसे वेटिंग क्लियर हो सकती है। सीए कैटेगरी में आपकी 80 वेटिंग क्लियर हो सकती है। डीएस कैटेगरी में 20 वेटिंग तक क्लियर हो सकती है। एससी कैटेगरी में आपकी हो सकता है 1 वेटिंग और क्लियर हो जाए, 4 या 5 तक क्लियर हो सकती है। एनसी कैटेगरी में भी आपकी 1 वेटिंग और क्लियर हो सकती है। तो ये पूरा डाटा जो है आपका सेकंड फर्स्ट फॉर्मलिस्ट का है और सेकंड फॉर्मलिस्ट का ही बता दिया। जैसे ही फर्स्ट सेकंड फॉर्मलिस्ट आएगी आपको इसी चैनल पे अपडेट कर दिया जाएगा, कितनी वेटिंग क्लियर हुई है वो भी इसी चैनल पे बता दिया जाएगा। अगर कोई और आपका क्वेश्चन हो या क्वेरीज हो तो आप जो है इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं।